2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार है। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा नामों का ऐलान संभव है। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी जल्दी ही इन नामों का ऐलान कर दे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को 6 सीटें दे सकती है। 80 में से 6 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है बीजेपी। 100 से ज्यादा नामों का ऐलान संभव है। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े नेताओं का नाम शामिल हो सकता है और इन सबके बीच यूपी में 6 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ेगी बीजेपी। ऐसी जानकारी मिल रही है और पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी लगातार मिशन 370 का जिक्र कर रही है। अकेले दम पर 370 से ज्यादा सीटें और एनडीए के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश और इसी के कवायद के तहत प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद बिहार जाएंगे पीएम और किन अहम नामों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से, राजनाथ सिंह का नाम लखनऊ से ऐलान किया जा सकता है, गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेताओं के नाम, इसके अलावा मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से और पूर्व गृह मंत्री भोपाल से उतर सकते हैं नरोत्तम मिश्रा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से उतारा जा सकता है। राहुल मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार सबको है, क्या जानकारी मिल रही है इस लिस्ट के बारे में? देखिए, ये माना जा रहा है कि क्योंकि जब सीसी की बैठक हुई थी और मैराथन बैठक हुई थी, तकरीबन 3:30 बजे तक का ये बैठक चली थी, सुबह के 3:30 बजे तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में पहले जो प्रधानमंत्री के यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री के घर पे वहाँ पे अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे और ये माना जा रहा था कि तकरीबन 300 सीटों के आसपास में पूरी चर्चा की गई थी, लेकिन सीसी में आकर के ये 100 से 150 सीटों के आसपास में इस पर चर्चा हुई है और तकरीबन ये माना जा रहा है कि 150 के सीटों के आसपास में इस पर एक लिस्ट बन चुकी है। इसमें तमाम, ये कहा जाए कि हरियाणा से किसके साथ, क्योंकि हरियाणा का सारी की सारी सीटों पे यहाँ पर चर्चा हुई है और ये माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले ही जजपा के अलावा यहाँ पर लड़ेगी। अब पंजाब को देखना होगा क्योंकि पंजाब के साथ आज या कल में ये फाइनल हो सकता है कि अकाली दल के साथ पंजाब में बीजेपी जा रही है या नहीं जा रही है। उसके अलावा दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की यदि बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की तकरीबन 20 सीटों पर नाम जो है यहाँ पर फाइनलाइजेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश की भी बात किया जाए, ये वो सीटें हैं, उन मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पर जहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार हार का सामना किया था या बीजेपी कमजोर है वहाँ पर, उन जगहों पे अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है और कैंडिडेट को, क्योंकि उसके पास काफ़ी समय रहेगा अपने जनता के पास में जाने के लिए, जनता को अपने बारे में बताने के लिए, जनता से रूबरू होने के लिए और इसलिए ये एक टैक्टिक्स लिया जाएगा और इसमें तुरंत ये कहा जाए कि आज या कल में ये नामों की घोषणा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 140 से 150 सीटों का यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। उसके साथ ही साथ गठबंधन को देखना होगा कि आखिर में उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो दल हैं उनके साथ में गठबंधन पे कितनी सीटें यहाँ पे छोड़ी जाएगी। 6 सीटें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 6 सीटों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर में, क्योंकि आज लिस्ट जब जारी होगी तो किन किन नामों को वहाँ पर तरजीह दिया गया, लेकिन लिस्ट में वो नाम हेवी वेट्स की बात यदि आप जब कर रहे थे तो इसमें तमाम देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या चाहे गृहमंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे स्मृति ईरानी का भी फाइनल है कि जहाँ से वो लड़ी थी उसी जगह से वो लड़ेंगी, तो या आप क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात किया जाए, शिवराज सिंह चौहान को 2 जगह से बोला गया था लेकिन वो विदिशा से लड़ने की उनकी बात आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तमाम जो हेवी वेट्स हैं उनको जो है उनके नाम की फाइनलाइजेशन इस लिस्ट में आ जाएगा।